तो हे नमस्कार दोस्तों, कैसी है पब्लिक। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और ये आज की वीडियो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। ओके, आज के दिन हम लोग को इसमें जो हम लोग कल डिस्कशन करा था एग्जैक्टली वैसे हुआ था। हम लोगों ने कल की भी वीडियो में बताया था कि आज के दिन रेंज बॉन्ड रहने की ज्यादातर चांसेस हैं। एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही हुआ। आज के दिन पूरे दिन मार्केट रेंज बॉन्ड हुई और ना कोई बड़ा मूव दिया, ना कोई छोटा गिरावट, ना कोई बड़ी तेजी दिखाई इसने। ओके, चलिए बात करते हैं। अब हम लोग को कल के दिन जो आज के दिन रेंज हुई है उसके बाद हम लोग को कल को क्या सिनेरियो बनते हुए आ रहे हैं, बहुत तगड़े सिनेरियो बनते हुए आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल वीडियोस देखते तो हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई लोग, आप लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम लोगों ने कल ये लेवल मार्क करे थे अपने, ये सपोर्ट था हम लोग का। मैंने बोला था ये बहुत हाई सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे मार्केट कल जाना थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। एक्जैक्टली वैसे ही आज के दिन मार्केट इसके नीचे तेजी नहीं जा पाया। और ये रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं अगर, तो ये ऊपर के रेजिस्टेंस, आज के दिन मार्केट ने रेजिस्टेंस भी एक्जैक्टली उसी पॉइंट के पास करीब फेस करा। ओके, आज के दिन क्या मतलब, आज के दिन पूरे दिन मार्केट साइडवेज ही रही, उससे पहले जो मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करा था उसी लेवल पर हम लोग को फेस करा था। ओके, अब बात करते हैं आगे आने वाले टाइम पे हम लोग को क्या जो कल के लेवल्स और टारगेट्स रहने वाले हैं वो क्या रख सकते हैं हम लोग। ठीक, फिलहाल ये मैंने ड्राइंग हटाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे समझ में आए। देखो भाई, जो हम लोग का ये सपोर्ट था, ध्यान से समझना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सपोर्ट था यहाँ पे वन टाइम, ये सेकंड टाइम इसने यहीं से एक्जैक्टली बार बार सपोर्ट लेके वापस अपसाइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड जाने की कोशिश करी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉटम। क्या करा मार्केट ने, दो बार बॉटम यहीं पे मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन फेस करा। मतलब यहाँ पे आता है वापस, लोग बाय करके ऊपर ले आते हैं प्राइस को। इस फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉटम। और ये बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मेशन होता है, इससे हम लोग को एक बुलिश इंपैक्ट बनता है वो दिखता है। और ध्यान से देखें अगर यहाँ पे, इसी को आप बहुत लोग डब्ल्यू भी बोलते हैं। ओके, डब्ल्यू बॉट में पैटर्न भी दिख रहा है हम लोग को। ठीक, डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, डब्ल्यू बोल सकते हैं। अब हम लोग इसको ट्रेड कैसे करना होता है, देखो कल के दिन हम लोग को क्या मार्केट रखना माइंड में चीजें, हम लोग का नेकलाइन, ये रही हम लोग की डब्ल्यू की नेकलाइन। ओके, 684 पास हम लोग की डब्ल्यू की नेकलाइन है कल के दिन। जैसे ये 684 ब्रेकआउट करेगा, यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद हम लोग 696 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई कि कल के दिन मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होके मतलब वहीं पे फिर ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, निकलने की कोशिश करेगा। क्योंकि आज के दिन बार बार मार्केट, देखो अगर नीचे जाना होता तो आज के दिन मार्केट देखो फॉल आई है, निफ्टी बैंक निफ्टी फॉल आया है। ठीक, चाहता तो ये भी फॉल तो आके इसमें भी गिरावट आ जाती, बट मार्केट यहीं से लोग बाय कर रहे हैं, इस वजह से नीचे गया नहीं। लोग यहीं से इसको बार बार खरीदना चाह रहे हैं, जितने बार ये नीचे आ रहे उतने बार खरीद रहे हैं, इसलिए इस स्टॉक को ऊपर जाना इसी वजह से ही नीचे नहीं गया। ना जाना होता तो आज ही ये नीचे चला गया होता। ओके, तो ये सिनेरियो आप लोगों को माइंड में रखना है, इस तरह से आप माइंड सेट बनाना होता है, तब जाके कुछ एक्जैक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट करा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नहीं करा होगा सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप डेली हमारे ऐसे वीडियोस से जुड़े रहें। सो धन्यवाद जनता फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।